आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक है। और आकाशवाणी से हर रोज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी डुग्गीराला गोपाल कृष्णय्या का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 2 जून 1889 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। उन्हें आंध्र रत्न के नाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्णय्या कवि, गीतकार, दार्शनिक, गायक और अहिंसक विचारधारा के साथ असाधारण क्रांतिकारी भी थे। गोपाल कृष्णय्या ने अपने दोस्त नादिमपल्ली नरसिम्हा राव की वित्तीय सहायता से एडिनबरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। वो 1917 में भारत लौटे और आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में नेशनल कॉलेज में पढ़ाने लगे। गोपाल कृष्णय्या एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए और 1919 में वो अध्यापक की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में आ गए। बीस में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने के बाद वे असहयोग और सत्याग्रह के सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हुए। उन्होंने स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गोपाल कृष्णय्या ने स्वराज के लिए कार्य करने के लिए कामगारों का काडर बनाया, जिसे रामा डांडू यानी राम की सेना कहा गया। 1921 में रामा डांडू ने विजयवाड़ा में कांग्रेस के अधिवेशन के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। गोपाल कृष्णय्या को असहयोग आंदोलन के समय चिराला में कर विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। जनवरी 1921 में जब चिराला के निवासियों ने कर का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया तो अंग्रेजों ने गिरफ्तारी और मुकदमे चलाकर और अनेक प्रदर्शनकारियों को जेल की सजा सुनाकर आंदोलन को कुचल दिया। महात्मा गांधी के परामर्श पर गोपाल कृष्णय्या ने चिराला के निवासियों का कस्बे से बाहर जाने और कस्बे की सीमा से बाहर अस्थायी बस्तियां बनाने के अभियान का नेतृत्व किया। कस्बे की कुल 15,000 में से 13,000 जनसंख्या ने उनका साथ दिया और कस्बे की सीमा से बाहर अस्थायी बस्तियां बसा ली। वहां सभी जातियों के सदस्यों की सभा गठित की गई और मध्यस्थता के लिए न्यायालय बनाया गया। गोपाल कृष्णय्या को पकड़ लिया गया और साहसिक नेतृत्व के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद जब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1925 में स्वराज्य पार्टी बनाई तो गोपाल कृष्णय्या भी उसमें शामिल हो गए। गोपाल कृष्णय्या संस्कृत, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में निपुण थे। वे असाधारण लेखक थे और ओजस्वी वक्ता भी थे। उन्होंने आंध्र विद्यापीठ गोष्ठी की स्थापना की। इंग्लैंड में प्रवास के समय गोपाल कृष्णय्या ने नंदी केसवर के अभिनय दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो द मिरर ऑफ जेस्टर के नाम से प्रकाशित हुआ। 10 जून 1928 को 39 बरस की उम्र में गोपाल कृष्णय्या का निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी गोपाल कृष्णय्या को हमारा शत शत नमन। आज हम वीर बीकू को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। आरंभ में वे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सैनिक थे, लेकिन बाद में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिल गए। उन्होंने साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों की अवज्ञा करने और विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। कंपनी की सेना के साथ मुठभेड़ में बीकू को पकड़ लिया गया। उन पर ब्रिटिश शासन से बगावत करने और फौज की नौकरी छोड़ने के आरोप लगाए गए।
आजीवन कठोर सश्रम कारावास की सजा देकर उन्हें निर्वासित कर दिया गया। 2 जून 1858 को अंडमान द्वीप में कारावास में ही उनका निधन हो गया। महान स्वतंत्रता सेनानी बीकू को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू को भी याद कर रहे हैं। वे हरियाणा के बलवारी के निवासी थे। आरंभ में सिद्धू ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और सेना की नौकरी छोड़ने और ब्रिटिश शासन से बगावत करने के आरोप लगाए। सिद्धू को मृत्यु की सजा सुनाई गई और 2 जून 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई। वीर सिद्धू को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।